दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन है 2x² - 3x। और बच्चों, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव, जिसको आप dy/dx या f'x कहते हैं, वो निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो बच्चों, ये हो जाएगा 4x - 3। और बच्चों, आपको अगर a पार्ट सॉल्व करना हो तो उसमें लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो f'x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मींस 4x - 3 आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। दैट मींस यहां से आपके पास एक ही फैक्टर है, दैट इज 4x - 3 > 0। तो अगर आप इसको नंबर लाइन से करना चाहें तो नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। जब हम इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/4। तो अगर आप बेबी कर्व पैटर्न लगाएंगे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो बच्चों, ये काफी आसान सा काम है। अब आप ध्यान से खुद आंसर लिख सकते हैं, आपको मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स होगा वो 3/4 से इन्फिनिटी होगा। किसके लिए? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और अगर आप बी पार्ट का आंसर लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो वो होगा x बिलोंग टू -∞ से 3/4। ये इस इंटरवल में बच्चों फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग भी आपको क्लियर हो गया, डिक्रीजिंग भी आपको क्लियर हो